लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं, ऐसे में घरों में रहते हुए भी क्राइम हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुड़केश्वर रोड स्थित आने वाले विघ्नहर्ता नगर में, जहां एक आरोपी ने अपने पिता की हाथों से गला रेत कर हत्या कर दी और बहुत ही बुरी तरीके से उनके गुप्तांगों को काट लिया, जिसके चलते पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी का नाम रोहित उर्फ विक्रांत पिल्लेवार बताया जा रहा है। हुड़केश्वर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश हुड़केश्वर पुलिस कर रही है। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं और लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते अपने घरों में तो जरूर है, लेकिन घरों में रहकर ही वे ऐसे कामकाज कर रहे हैं जिसके चलते शहर का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसा ही एक किस्सा हुड़केश्वर के अंतर्गत आने वाले उस परिसर में हुआ है, जहां पे एक लड़के ने अपने पिता की दर्दनाक मौत कर दी। आखिरकार ये वाकया क्या है, आइए जानना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में हुड़केश्वर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक राजकमल वाघमारे हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। राजकमल जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो घटना हुई है, एक लड़के ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, क्या कहना चाहोगे? हाँ, बराबर रात की पान है, 10:30 बजे हमको 10:15 बजे हमें फ़ोन आया था पुलिस स्टेशन में कि भैया एक ऐसे अपने बाप को ऐसे मार रहा है। वैसे हमारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर चले गए थे, उस पीरियड में वो डेड जो यहाँ पर मृतका है विजय पिल्लेवार, वो यहाँ से नीचे पड़ा था और इसके ऊपर छाती के ऊपर इसका बेटा रोहित उर्फ विक्रांत पिल्लेवार वो खड़ा था और लोग इसको यहाँ से निकाल रहे थे। हम भी पुलिस वालों ने भी इकट्ठा किए, यहाँ पर इसकी देखिए हालत, देखिए कंप्लेंट इसमें, तो इसके मृतक के शरीर के ऊपर आँखों, गले के ऊपर, आँखों के ऊपर फाइटिंग, यानी बहुत सारे जगह काटने की और खून के निशान हमें पड़े थे। तो हमने इससे कंप्लेंट और अपने जिसकी सिस्टर मृतक की लड़की थी इससे बात की है, तो इसकी कंप्लेंट लिए, तो 9:30 बजे उनकी अपने यहाँ पर इन्होंने खाना खाया था पिताजी और ये जो आरोपी है मृतक और इसके बच्चे अपने आरोपी ने एक साथ खाना खाया था। खाना खाने के बाद में इसके अचानक बर्ताव जो चेंज हो गया, यानी कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, अचानक इसका चेंजिंग मूड हो गया और यहाँ से हिंदी में बोल रहा था कि ए इधर उधर क्या देख रहे हो, हाँ, तो और गाली गलौज चालू होगी। तो पिताजी ने बोले कि गाली करो मत, तो इसको एक थप्पड़ मारे, जैसे थप्पड़ मारे थे माँ ने इसको डांटा, तो माँ को भी एक स्नेह थप्पड़ मार के रख दिया। तो पिताजी इधर चले गए बचाने के लिए माँ को, तो इसको भी मारा और इसको किचन की तरफ इसको काटा मारा, तो बच्ची है इसकी जो लड़की है वो यहाँ से आवाज़ देने लगी, लोगों को इकट्ठा करने लगी, पर लेकिन इसका रूप हिंसक बिल्कुल क्रूर जैसा लग रहा था, संतुलन ऐसा एकदम बहुत ही भयानक था उस पीरियड में, और इसको मार रहा था अपने पिताजी को। और बाहर में आकर पुलिस वालों ने भी इसको हटाने की यानी कोशिश की, पूरी निकाले इसको, तब भी वो निकल रहना था, इसने अपने पिताजी को काट के और यहाँ से खा के इसमें पूरा इसको मार ही डाला था। सर, जिस प्रकार से हत्या की गई उसके अंदर कौन सा हथियार यूज किया गया था? नहीं, हथियार तो कोई यूज नहीं था, इसने हथियार का कोई यूज नहीं किया, इसने दांतों का उपयोग किया और हाथों का यूज किया है। अब कौन सी धारा लगाया, क्या कार्रवाई की गई है? हमने 302 का गुनाह दाखिल किया है, आरोपी के अरेस्ट में है, अभी फिलहाल में मेडिकल इसमें लेके गए हैं। तो आप तो हुड़केश्वर के पुलिस निरीक्षक राजकमल वाघमारे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आरोपी ने ये कामकाज किया है जिसके चलते उसके पिता की दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब आरोपी को गिरफ्तार करके भारतीय दंड विधान के कलम 302 के तहत उसके ऊपर में कार्रवाई जारी है और मेडिकल में उसके पिता का जो शव है वो रखा गया है, अभी भी घर में नहीं लाया गया है। पुलिस आगे की तफ्तीश और भी इस विषय को लेकर कर रही है। नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस थाने से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।